नमस्कार, मैं हूं दिव्या। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश की प्रमुख खबरें। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एक वकील को कोर्ट में ये और या जैसे अनौपचारिक शब्दों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जजों के खिलाफ याचिका दायर करने में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। सीजीआई ने वकील को उचित भाषा और व्यवहार का पालन करने का महत्व बताया। कनाडा की बॉर्डर सिक्योरिटी ने 187 संस्थानों पर छापेमारी कर 950 भारतीय छात्रों को गिरफ्तार किया है, जो अवैध रूप से काम कर रहे थे। ये छात्र वीजा शर्तों के खिलाफ 30 से 40 घंटे काम कर रहे थे। कनाडा में बढ़ती बेरोजगारी और ट्रूडो सरकार की अप्रवासी संख्या घटाने की घोषणा ने छात्रों के भविष्य को संकट में डाल दिया है। स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन कैप्सूल रविवार को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर पहुंचा, जहां सुनीता विलियम्स और अन्य अंतरिक्ष यात्रियों ने निक हेग और अलेक्जेंडर गोरबुनो का स्वागत किया। ये कैप्सूल धरती पर विलियम्स और बूच विलमोर को वापस लाने के लिए भेजा गया है, जो फरवरी में लौटेंगे। नासा ने इस घटना का वीडियो भी साझा किया है। यूएन जनरल असेंबली में भारतीय डिप्लोमेट भाविका मंगलनंदन ने पाकिस्तान पर 26/11 ओसामा बिन लादेन और 1971 के नरसंहार के आरोप लगाए। पाक विशेषज्ञ कमर चीमा ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान को इन आरोपों का जवाब देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की चुप्पी उसके अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुँचा रही है। डीसीबी बैंक का हैप्पी सेविंग्स अकाउंट यूपीआई लेनदेन पर सालाना 7,500 रुपये तक का कैशबैक प्रदान करता है। 500 रुपये के न्यूनतम ट्रांजैक्शन पर कैशबैक मिलता है, लेकिन अकाउंट में 25,000 रुपये का बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। ये खाता अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन और अन्य सुविधाएं भी देता है। सोमवार को महाराष्ट्र के अमरावती जिले में 4.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिसकी सूचना राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने दी है। भूकंप अपराह्न 1:37 पर आया था और चिकलधारा, कटकुंभ और पचडोंगरी जैसे इलाकों में हल्के झटके महसूस किए गए। उप जिलाधिकारी अनिल भटकर ने बताया कि किसी हताहत या संपत्ति के नुकसान की खबर नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जहीर अब्बास ने विराट कोहली और बाबर आजम के बीच तुलना को गलत बताया। उन्होंने कहा कि कोहली हर मैच में रन बनाते हैं। कोहली के 80 शतक और बाबर के 31 शतकों के अंतर को भी रेखांकित किया। अब्बास ने भारतीय टीम के संतुलन और चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी संभावनाओं की सराहना की है। सिंगापुर के कारोबारी नेता नील पारेख ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका बढ़ने के साथ हिंदी का महत्व भी बढ़ा है। उन्होंने वैश्विक हिंदी उत्कृष्टता शिखर सम्मेलन में बताया कि हिंदी ज्ञान से भारतीय बाजार में अवसर मिलते हैं। विशेषज्ञों ने हिंदी और अन्य भाषाओं के प्रचार के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में लड़की वाहन योजना की संभावित देरी पर चिंता जताई है, जो विवाहित, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक प्रदान करेगी। उन्होंने निवेशकों को सब्सिडी भुगतान की समयबद्धता पर संदेह व्यक्त किया। शिवसेना सांसद संजय राउत और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी चिंता जताई। कानपुर में गोविंदपुरी और भीमसेन स्टेशनों के बीच ट्रेन चालक ने पटरियों पर सिलेंडर देकर आपातकालीन ब्रेक लगाया। जांच में पता चला कि ये रेलवे का अग्निशमन यंत्र था, जो दुर्घटनावश गिरा था। पिछले हफ्ते गैस सिलेंडर रखने की घटनाएं भी हुई थी, जिसकी जांच जारी है। इस मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। पिछले कुछ दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आई, लेकिन 30 सितंबर को कमी आई। 22 कैरेट सोने की कीमत 77,240 रुपये प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट सोने की कीमत 70,800 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। चांदी की कीमत 95,000 रुपये प्रति किलोग्राम है, जो पिछले सप्ताह 96,000 रुपये थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI की प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी PO भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जल्द जारी हो सकता है। योग्य उम्मीदवारों के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है और आयु सीमा 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन केवल ऑनलाइन होंगे। जनरल OBC और EWS के लिए 750 रुपये शुल्क है, जबकि SC ST PH वर्ग के लिए कोई शुल्क नहीं है। चयन प्रक्रिया में प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि उनके निर्माण को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ढहाया गया है, जिससे उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। 17 सितंबर को कोर्ट ने बिना अनुमति के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाई थी।
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चयनित होने पर बधाई दी है। मांझी ने चक्रवर्ती की बहुमुखी प्रतिभा की प्रशंसा की, उनके उड़िया सिनेमा में योगदान को सराहा। पुरस्कार 8 अक्टूबर 2024 को दिए जाएंगे। मिथुन ने इसे अपने परिवार और प्रशंसकों को समर्पित किया है। दिल्ली में विधानसभा चुनावों की आहट महसूस हो रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद नई सीएम अतिशी ने जनता से जुड़ने के लिए कई फैसले लिए हैं। दूसरी ओर बीजेपी भी चुनावी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर सकता है, लेकिन दिल्ली का इलेक्टोरल रोल तैयार नहीं है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने अनचाहे स्पैम वेब लिंक को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। टेलीकॉम कंपनियों को अब एसएमएस में संदिग्ध लिंक को ऑटोमेटिकली ब्लॉक करना होगा। पंजीकृत एसएमएस भेजने वालों को अपने लिंक 1 अक्टूबर 2024 तक व्हाइट लिस्ट करने अनिवार्य है, जिससे उपयोगकर्ताओं का विश्वास बढ़ेगा। फेस्टिवल सीजन में ई कॉमर्स सेल के दौरान नकली आईफोन मिलने का खतरा बढ़ जाता है। असली आईफोन की पहचान करने के लिए IMEI नंबर चेक करें। सेटिंग्स में जाकर iOS वर्जन की पुष्टि करें। सिरी को एक्टिवेट करने की कोशिश करें और फोन को फिजिकल बॉडी का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें। नकली फोन के डिजाइन में अंतर आसानी से पहचाना जा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार ओप्पो भारत में कस्टमर सेटिस्फैक्शन में सबसे आगे है। सर्वे में 62% ग्राहकों ने ओप्पो की सेवा को उत्कृष्ट बताया है, जबकि वीवो और सैमसंग के लिए ये आंकड़ा क्रमशः 58% और 57% था। ओप्पो ग्राहक समस्याओं को जल्दी हल करता है। 35% समस्याएं 1 घंटे में सुलझाई जाती हैं और 56% ग्राहक कर्मचारी की विशेषज्ञता की तारीफ करते हैं। स्मार्टफोन के स्टोरेज भरने की समस्या को हल करने के लिए कई उपाय हैं। गैर जरूरी ऐप्स हटाएं, हाई रेजोल्यूशन फोटोज और वीडियो को क्लाउड पर शिफ्ट करें, कैसे डेटा साफ करें, अनावश्यक फाइल्स डिलीट करें, एसडी कार्ड का इस्तेमाल करें और सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहें। इन तरीकों से स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है। अजय देवगन और रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन 2024 में रिलीज होने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने अपने सैटेलाइट डिजिटल और म्यूजिक राइट्स से 200 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है, जो कि रोहित शेट्टी के लिए सबसे बड़ी नॉन थिएटिकल डील है। ये फिल्म उनके कॉप यूनिवर्स की सबसे बड़ी पेशकश है। बॉलीवुड अभिनेता तुषार कपूर का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर फैंस को कहा कि उनकी टीम इस समस्या का समाधान करने में जुटी है। वर्क फ्रंट पर वो वेलकम टू द जंगल और कप कपी जैसे फिल्मों में नजर आएंगे। 1 अक्टूबर 2024 से फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री ने यह फैसला निवेशकों को हतोत्साहित करने के लिए लिया है, क्योंकि पिछले 3 वर्षों में 1.13 करोड़ निवेशकों को 1.81 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पर STT 0.0625% से बढ़कर 0.1% होगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 500 रुपए के नोट पर महात्मा गांधी की जगह अनुपम खेर की तस्वीर है। अहमदाबाद पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की जाली करेंसी बरामद की है, जिसमें एक सराफा व्यापारी को फेक नोट दिए गए थे। अनुपम खेर ने इस मामले पर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है। क्रेड की राजस्व वित्त वर्ष 2023-24 में 66% बढ़कर 2,473 करोड़ रुपए हो गए हैं। सदस्यों की संख्या में वृद्धि और उपयोगकर्ता अधिग्रहण लागत में गिरावट के कारण आय में सुधार हुआ है। परिचालन घाटा 1,024 करोड़ रुपए से घटकर 609 करोड़ रुपए रहा है। संस्थापक कुणाल शाह ने परिणामों पर संतोष व्यक्त किया है। डॉक्टरों के अनुसार सीवेज और बाढ़ के पानी में लंबे समय तक रहने से गंभीर संक्रमण हो सकता है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे बारिश में पानी में ज्यादा समय ना बिताएं और नगर निगमों को जल निकासी के बेहतर इंतजाम करने चाहिए। साफ पानी से पैर धोकर पैर को सुखाना भी जरूरी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार एक परिवार एक नौकरी योजना के तहत हर एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे रही है। हालांकि PIB ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। ये दावा पूरी तरह से भ्रामक है और इसे शेयर ना करें। आंवला विटामिन सी और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर है, जो स्किन और बालों की सेहत के लिए फायदेमंद है। हालांकि किडनी रोग, थायराइड, पेट की समस्याएं, गर्भावस्था और सर्जरी से पहले या बाद में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके फायदे पाने के लिए सावधानी पूर्वक सेवन जरूरी है। चिकित्सा सलाह के लिए विशेषज्ञ से परामर्श कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 30,000 हेल्थ वर्कर्स की भर्ती की घोषणा की है, जिसमें 3,000 डॉक्टरों की रिक्तियां शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा है कि ये कदम जिला अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में व्यवस्थाओं में सुधार करेगा। मुख्यमंत्री 23 अक्टूबर को रीवा में क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन आयोजित करेंगे। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है नितेश कुमार गुप्ता, धनंजय कुमार, रामबाबू दास, मोहम्मद साकिर हुसैन, रंजीत कुमार झा, दिवाकर सिंह, संजय कुमार, सोनू कुमार, मोहम्मद जुबैर, प्रमीला कुमारी, अमरजीत यादव, नौसाद रजा, नितेश कुमार, योगिता कुमारी, सूरज, सपना कुमारी, साफिरुल्लाह रहमान, अमित कुमार, राकेश मिश्रा, रवि मोहन वर्मा, रवि शंकर। अब बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, फर्जी खबरों से बचने के लिए आप क्या उपाय करते हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।